नैंड गेट परफॉर्म इनवर्स ऑफ एंड गेट, मोर देन वन इनपुट्स होती हैं और सिंगल आउटपुट होती है। इसको देखने से पहले बोलियन एक्सप्रेशन को आप ये देखिए, एंड गेट का सिंपल इस तरह से था और इसका बोलियन एक्सप्रेशन जो था वो ए डॉट बी था। लेकिन नैंड गेट जब इन्वर्स करता है एंड गेट का, तो उसके आगे हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। नॉट गेट एज अ इन्वर्टर काम करता है, वैल्यूज़ को इन्वर्ट कर देता है, जीरो को वन और वन को जीरो को में कन्वर्ट कर देता है। नॉट गेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन ऊपर डाली जाती है, लाइन भी कहते हैं इसको, बार भी कहते हैं इसको, कम्प्लीमेंट भी कहते हैं। एंड गेट के आगे नॉट लगा देने से क्या बन जाएगा, नैंड गेट बन जाएगा। तो इसी वजह से इसकी बोलियन एक्सप्रेशन नैंड गेट की कुछ इस तरह से बनेंगी, एक्स इज इक्वल टू ए डॉट बी, क्योंकि एंड गेट में डॉट होता है और में प्लस होता है। नैंड गेट में क्या आएगा, ए डॉट बी, इसके ऊपर कम्प्लीमेंट आ जाएगा। कम्प्लीमेंट ये शो कर रहा है कि जिसकी जो वैल्यूज़ आएगी ये इन्वर्ट कर देगा। अगर ट्रूथ टेबल देखें तो ज़ीरो ज़ीरो ए डॉट बी है मल्टीप्लाई है तो आंसर जीरो होना चाहिए, लेकिन ये कम्प्लीमेंट की वजह से क्या आ जाएगा, आंसर वन आ जाएगा, आउटपुट वन आएगी, हाई मिलेगी। वन इनपुट इज़ वन एंड अदर इज़ लो, जीरो, लेकिन आउटपुट विल बी वन। सिमिलरली ज़ीरो वन 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 विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो एम सी क्यूज के हवाले से आप लोगों ने याद रखना है कि नैंड गेट हाई इनपुट उस वक्त देता है जब वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी, और नैंड गेट की आउटपुट उस वक्त ज़ीरो होती है जब दोनों इनपुट्स की वैल्यू हाई होगी।